गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग. एंड अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि जो भी स्टूडेंट्स आईपी मैट कैट और जी मैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली बाकी स्टूडेंट्स भी जिनके पास भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन आता है. एंड अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन क्वांट सेक्शन का प्रॉब्लम कर रहा है, तो जस्ट मुझे इधर टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरी मेल आईडी पे पोस्ट करिए और मैं उसका वीडियो सोल्यूशन लेके आऊंगी. जो क्वेश्चन ईजी होंगे मैं सिंपल उनको सॉल्व करके आपको तभी रिवर्ट कर दूंगी, लेकिन कुछ मुझे लगेगा कि नहीं ये कंसेप्ट बच्चों को आना चाहिए वो मैं वीडियो में डिस्कस करूंगी. सो फॉलो दिस चैनल, जस्ट सब्सक्राइब द वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं. एंड बाकी जिस बच्चे ने डाउट भेजा उसको तो ये सॉल्यूशन देखना ही देखना है, बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा हो जाएगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन. और मेरे पास आज का क्वेश्चन है आईपी मेट एग्जाम की शॉर्ट आंसर से. ये एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम इसका कंसेप्ट डिस्कस कर दीजिए, जस्ट नॉट द सॉल्यूशन द कंसेप्ट. तो मैंने क्वेश्चन, आप मेरी वीडियो को पोस्ट कर सकते हो एंड इसका इसको अपने आप से ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच डिवाइड्स, ठीक है, व्हिच डिवाइड किसको 1890 मल्टीप्लाई बाय 130 एंड मल्टीप्लाई बाय 17. बच्चे जब मुझे दिया होता है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, व्हिच डिवाइड किसी नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है, उसके फैक्टर्स, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर ऑफ दिस नंबर, जो भी नंबर है 1890 130 इनटू 170. लेकिन कंडीशन आगे क्या दिया है, कंडीशन आर नॉट डिविजिबल बाय 45, दैट मींस आपको वो फैक्टर चाहिए जो 45 से डिवाइड ना, राइट. तो इतना सबसे पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो. क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने, लेकिन टोटल फैक्टर्स नहीं, वो फैक्टर जो 45 से डिविजिबल ना हो. दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करने का कंसेप्ट आना चाहिए. इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन तो अपने आप से ये पूछिए, क्या आपको ये समझ में आता है कि व्हाट इज फैक्टर, क्या आपको ये समझ में आता है कि फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको कैसे फाइंड आउट करने होते हैं. द थर्ड थिंग, आपके पास अगर आपको इवन फैक्टर्स निकालने हो, ओड फैक्टर्स निकालने हो, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो, परफेक्ट क्यूब फैक्टर या परफेक्ट किसी का मल्टीपल अगर आपको फाइंड आउट करना हो. द नेक्स्ट थिंग, अगर आपको फैक्टर्स आते हैं कि आपको सम ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट पता है. द नेक्स्ट थिंग, सम ऑफ फैक्टर्स के साथ साथ क्या आप लोगों को इवन फैक्टर्स का समेशन आता है, क्या आपको ऑड फैक्टर्स का समेशन आता है, तो ये पूरा कंसेप्ट है आपके पास फैक्टर्स का. सो अगर आपको ये सारे कंसेप्ट नहीं आते हैं, फर्स्ट गो बैक रिवाइज ऑल दिस कंसेप्ट. अगर कर लिया है, अगर अभी तक कवर नहीं किया तो पहले इनको कवर करो और तब ये सोचो कि यस ये वाले क्वेश्चंस मैं कर लूंगा. तो ये क्वेश्चंस कैट में भी आ सकता है, आईपी मेट में भी आ सकता है, जी मेट में भी आ सकता है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है. तो फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए. मैं एक वीडियो ले आऊंगी आपकी रिक्वेस्ट पे अगर आपको लगता है कि मैम फैक्टर्स डिटेल में समझा दीजिए. अभी मैं प्रॉपरली उन स्टूडेंट को टारगेट कर रही हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में जिनको ये सारी चीजें आती है. तो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं. सबसे पहले 1890 फैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ब्रेक इनटू द प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर ये तो आपके पास 13 डायरेक्टली है, 13 पावर 1, ये आपके पास 17 पावर 1 है. बच्चे यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, दैट मीन्स 10 क्यूब, और 10 क्यूब को मैं लिख सकती हूँ क्योंकि बेस आपका प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, जो आपका बेस है वो आपका एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए. अब 1890 9 इंटू 2 एंड 21, लेकिन 9 3 इंटू 7, 21 3 इंटू 7 और 9 ये, तो ये बन जाएगा आपके पास, बिकॉज 9 है आपके पास 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 पावर 1, 3 क्यूब 7 पावर 1 एंड दिस इज 2 क्यूब एंड 5 क्यूब. व्हेन यू आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपके पास क्या होना चाहिए, सारा बेस, जितना भी बेस आप लिख रहे हो वो प्रॉपर एक प्राइम नंबर होना चाहिए. एंड जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो पावर प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 एंड पावर प्लस 1, इसी तरीके से तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स. 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 4 इज 128 एंड 128 इंटू 4 इज कितना हो जाएगा 512. तो 512 आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, लेकिन मुझे टोटल फैक्टर्स नहीं चाहिए.
I have to find out those factors which are not multiple, not divisible by 45. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी नंबर में से वो फैक्टर निकाल लेंगे जो 45 से डिविजिबल है। तो बच्चे जो आपके 45 से डिविजिबल है, अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना हो, अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना हो, जैसे आपको चाहिए 45, 45 क्या होता है मेरे बच्चे, इट्स 9 × 5, 9 मतलब 3² × 5^1। तो पहले आप 3² और 5^1 को बाहर निकाल दो, तो 3² × 5^1 ब्रैकेट के अंदर बचेगा 13^1, 17^1, 3, 7^1, 2³ और 5² अगर मैं इन वैल्यू को इग्नोर करूं और यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करूं, एंड लास्ट में जो भी फैक्टर्स होंगे उन सब में ये मल्टीपल आएगा ही आएगा। That means, अगर आप यहां से फैक्टर निकालते हो तो वो फैक्टर आएंगे जो हमेशा 45 के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 9 × 5 मतलब 45 साइड में रख दिया है कि जो भी फैक्टर्स आएंगे वो उसके मल्टीपल्स होंगे। तो चलिए फैक्टर फाइंड आउट कर दीजिए। फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर प्लस वन, टू, पावर प्लस वन, यहाँ पे पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन और पावर प्लस वन, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16, 8 × 4 = 64, एंड 64 × 3 हो जाएगा 192। तो 192 फैक्टर्स, क्योंकि इनको साइड में रख के ये हो गया कि जो भी फैक्टर्स आएंगे वो आपके 45 के मल्टीपल्स। दैट मींस आउट ऑफ द 512 फैक्टर्स 192 फैक्टर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 45। लेकिन आपको क्या चाहिए, व्हिच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 45। तो बस अब आप यहां पे 512 में से माइनस कर दीजिए 192, तो आपके पास आ जाएगा 320। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 320। 320 आपके पास ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ, विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 40। तो बच्चे अगर आप ये क्वेश्चन देखो, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना डजंट मैटर, आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका जो डाउट है, क्या वो कंसेप्ट आपने दोबारा से रिवाइज किया, क्या आपको वो कंसेप्ट अच्छे से आता है, कि यस, देन आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया है, प्रॉपरली समझ पाया। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी डाउट आ रहा है, तो सिर्फ पर्टिकुलरली सिर्फ उसको सॉल्व मत करो, उसका कंसेप्ट समझो इन डेप्थ, उसको रिवाइज करो वापस से, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया आपके पास 320। तो आप फैक्टर्स का आपको कंसेप्ट आ चाहिए, फैक्टर हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन ओड परफेक्ट स्क्वायर, समेशन ऑफ फैक्टर, और फैक्टर का समेशन, ये सारी चीजें आपके पास। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं फैक्टर का एक क्लास लेके आ जाऊंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट डाउट के साथ। थैंक यू सो मच, ये डाउट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।